नैनीताल पुलिस नववर्ष के आगमन पर आप सभी का स्वागत करती है। आप में से काफ़ी लोग नैनीताल अपनी जर्नी का प्लान कर रहे होंगे। इस समय नैनीताल और आसपास के जितने भी पर्यटक स्थल हैं वहाँ काफ़ी भीड़भाड़ होगी, काफ़ी वाहन इस समय चल रहे होंगे। इसके लिए नैनीताल पुलिस के द्वारा एक बृहत्तर ट्रैफिक प्लान बनाया गया है, जो नैनीताल उसके आसपास के टूरिस्ट स्थानों पर हल्द्वानी और रामनगर के लिए बना है। इन सभी को आप अच्छे ढंग से पढ़ लें, देख लें, आप सोशल मीडिया पेजेस जो नैनीताल पुलिस की हैं उनका अवलोकन कर लें और उसके हिसाब से ही अपनी जर्नी को प्लान करें। जो छोटी छोटी बातें हैं वो आपको बताना चाहेंगे कि नैनीताल में 31st के टाइम पे काफ़ी भीड़ होती है और वहाँ पे पार्किंग स्पेस लिमिटेड है। इसके लिए रूसी 1 और 2 पे पार्किंग की व्यवस्था की गई है, जो शहर से 6-7 किलोमीटर के दूरी पर है। अगर नैनीताल में होटल्स फुल हो गए हैं, पार्किंग फुल हो गए हैं, तो हम आपको रूसी बाईपास पे पार्क कराएंगे आपके व्हीकल्स को और उसके बाद ही शटल सर्विस से भेजेंगे। अगर हल्द्वानी में काफ़ी भारी दबाव रहा वाहनों का, तो यहाँ से हम डाइवर्जन करेंगे और कालाढूंगी के रास्ते आपको भेजेंगे। इस बात का भी ध्यान रखें, 30 दिसंबर की सायंकाल से लेकर 1 जनवरी की सायंकाल तक 2 व्हीलर्स नैनीताल के लिए प्रतिबंधित रहेंगे। जो भी बाइकर्स नैनीताल जाना चाहते हैं वो रूसी पे उतरने के बाद शटल के द्वारा ही नैनीताल जाएंगे। स्थानीय निवासियों को इसमें छूट होगी, जिनके लोकल घर हैं, जिनके ऑफिसेज हैं, उनको इस प्रतिबंध से छूट रहे। इन सभी को आप अच्छे ढंग से देख लें। एक अनुरोध और करना चाहेंगे आपसे, जब आप इन स्थानों पर आ रहे हैं तो जो स्थानीय निवासियों कि जो संस्कृति है उसका सम्मान करें। जितने भी पर्यटक स्थल हैं वहाँ पे गंदगी ना फैलाएं, हुड़दंग ना करें, शराब पीकर वाहन ना चलाएं, जितने भी ट्रैफिक के रूल्स हैं उनको जरूर फॉलो करें। आप सुरक्षित रहें, भीड़ भाड़ वाले स्थानों पे मास्क का प्रयोग अवश्य करें। आपकी यात्रा सुरक्षित रहे, कम्फर्टेबल रहे, यही हमारा लक्ष्य होगा। विश यू अ हैप्पी एंड सेफ न्यू ईयर। थैंक यू। जय हिंद। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए धन्यवाद। कृपया वीडियो को लाइक और शेयर तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन को भी दबाएं, ताकि हमारे वीडियो आपको सबसे पहले मिल सकें। धन्यवाद।